उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब हर्ष फायरिंग में एक अधेड़ की गोली लगने से मौत हो गई। जौनपुर जिले के सुरैरी थाना इलाके के निवासी विनय की शादी में शामिल होने उसके रिश्तेदार और पड़ोसी भदोही जिले के धनीपुर गांव में आए थे। बारातियों के लिए जनवासे में ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था की गई थी। सभी बाराती ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन उसी समय हर्ष फायरिंग में चली एक गोली ने एक बाराती की जान ले ली। सुरैरी थाना इलाके के रहने वाले दिनेश चंद मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि उनके ही पड़ोसी वीरेंद्र मिश्रा पर फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरा मामला हर्ष फायरिंग का ही है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि फायरिंग करने वाले व्यक्ति से उनका जमीनी विवाद है। परिजन इसे हर्ष फायरिंग नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। एक बारात आई है जौनपुर से, थाना सुरैरी क्षेत्र से, अपने यहाँ थाना गुपीय क्षेत्र में, गांव धनीपुर है। बारात में डांस करते वक्त हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी जो बाद में हॉस्पिटल जाकर उसकी मृत्यु हो गई। सर, गोली चलाने क्या वो असलहा लाइसेंस? वो उसी गांव के हैं, और जो बताया गया है दोनों मृतक भी उसी गांव के हैं और वो उसके उसी खानदान के ही हैं, और रिवॉल्वर से गोली चली है। पुलिस की टीम बनी है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, संभवतः रात में गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे गांव से बारात आई हुई थी, गांव में ऑर्केस्ट्रा चल बारात में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था और वहां दो चार लोग पत्ता भी खेल रहे थे। उसी में ये हमारे गांव का ही वीरेंद्र मिश्रा गोलही आए और हमारे भाई को सीधा गोली मारे रिवॉल्वर से। उसके बाद वो गिर गए, हम भी बगल में बैठे थे, दौड़े और उनको पकड़े, तब से वो वहाँ से निकल के भागा। उसके बाद बारात में मतलब कि घराती लोग दौड़ाए उसको पकड़, साले को गोली मार के भाग रहा है उसको दौड़ाया। उसके बाद हमको नहीं पता, मैं बेहोश हो गया। पहले से कोई रंजिश थी? हाँ, पहले से हमारे मतलब कि झगड़ा चल रहा था, जमीन मतलब कि बगीचा वगीचा था, उसी को लेकर मतलब कि केस चल रहा था, मारपीट हुआ था, उसी में हम लोग केस किए थे। वही केस चला तो वही केस को लेकर लोग ऐसा किए हैं।